पुलिस को कहा कि आप इस पर रोक लगाइए। पुलिस ने थोड़ी सी कार्रवाई करते उनको रोक दिया। फिर ये लोग उस सम्मेलन में जाते हैं जिसको महाराणा प्रताप जयंती के लिए बुलाया गया था, जहां फूलन देवी का अस्त्यार मुख्य अतिथि था। वहां वो लोग नारे लगाते हैं, अपनी जात के लोगों को जोश दिलाते हैं और शब्बीरपुर के लोगों को सबक दिखाने की बात सिखाने की बात करते हैं। बड़ी संख्या में लोग उस शब्बीरपुर गांव में आते हैं, उस गांव के रविदास मंदिर पे हमला करते हैं, फास्फोरस नाम का पदार्थ वहां फेंकते हैं। अब जब फास्फोरस कहीं फेंका जाता है, आप में से बहुत सारे साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टरी के स्टूडेंट्स होंगे, अगर फास्फोरस किसी बंद जगह पे फेंका जाएगा तो उससे फॉस्जीन बनती है। फॉस्जीन जो गैस है, अगर उसको कोई व्यक्ति इनहेल कर ले उसकी जान जा सकती है। तो जिस व्यक्ति ने फास्फोरस फेंका उस व्यक्ति ने फॉस्जीन को इनहेल किया, वो व्यक्ति वहां गिर पड़ा, उसको ठाकुर लोग उठा के ले गए, उस लड़के की बाद में मौत हो गई। इस पूरे हमले में 50 से ज्यादा जाटव चमार परिवार, जाटव परिवारों के लोगों के घरों में आग लगाई गई, उनके मकानों में तोड़फोड़ की गई, रविदास मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दलितों ने विरोध किया तो चोटें आई। शिव कुमार प्रधान के लड़के को मरणासन हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अगले 10 दिन तक ना कोई सरकारी अमला वहां उनकी हालचाल देखने गया, अस्पताल में क्या हो रहा है वो नहीं देखने गया,